सो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज मैं बताने वाला हूँ ऐसा वर्कआउट जो मैं मेरा फेवरेट वर्कआउट नहीं है लेकिन अल्टीमेट वर्कआउट है। तो ये अपर चेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। तो क्या सीन है, हम लोग जब भी चेस्ट मारते हैं हम लोग चाहते हैं कि चेस्ट बड़ा हो, तो चेस्ट बड़ा दिखाने के लिए ना हम लोग को अपर चेस्ट बड़ा दिखाना चाहिए। तो अपर चेस्ट के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि इंक्लाइन बेंच मारा करो, इंक्लाइन प्रेस मारा करो, इंक्लाइन फ्लाई मारा करो, सब इंक्लाइन ही मारा करो। लेकिन इंक्लाइन में और एक वेरिएशन भी है जिसको हम लोग ना ड्रॉप सेट है ना वो क्या बोलो उसको सुपर सेट है, वो मिक्सचर ऑफ बोथ है। तो क्या करना है हम लोगों को, इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं, एक बेंच चाहिए होगा जो कि इंक्लाइन बेंच है, और एक रॉड चाहिए होगा, और ढाई ढाई के जो प्लेट्स है अपने अपने जिम पे, ढाई ढाई के प्लेट्स तो पक्का होंगे, ये छोटे छोटे प्लेट जो है वो प्लेट्स ही। आप ये बोल रहे हो कि भाई बेंच मारेंगे हम लोग तो 100 किलो के मारते हैं, लेकिन ये इससे क्या होगा, मैं दिखाता हूँ क्या होगा। तो उसके लिए आपको कम से कम 3 प्लेट्स तो चाहिए चाहेंगे, अगर 4 प्लेट है वो भी बेस्ट है, लेकिन आप ट्राई करोगे एटलीस्ट 3 तो हो। तो अगर 3 है तो वो सब एक जगह पे लेके आ जाओ, किसी को पीछे खड़े करो और वर्कआउट चालू करते हैं। तो इसके लिए पहले तो एक खाली रोड ले लो इंक्लाइन बेंच पे और नॉर्मल अपना चालू करो 10 रेप स्लो रेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। जितना कम हो सके उतना कम रेस्ट लेना है। ढाई ढाई के प्लेट लगाया, वापस चालू डालो फिर सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लगाओ। ऐसे करते करते ये हो गया ढाई ढाई के प्लेट्स, वापस से और ढाई ढाई के प्लेट लगाना है, मतलब 5 से वापस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 चेंज लगाओ। ये हो गया 5 से, अभी 7.5 से डालो डालो डालो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम करो टा। अभी क्या करना है, जैसे बढ़ाया था अब एक एक करके कम होएगा। अभी 7.5 हुआ था, अभी 5 से सिक्स सेवन एट नाइन और 10 क्या अरे भाई, वापस से ढाई ढाई कम करके वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अभी खाली रॉड से वापस से जितना हो सके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये फेलियर तक मारना है। ये जब आप मारोगे ना, आप जो वर्कआउट 100 किलो से मारते थे ना, ये अब 7.5 से ना बहुत टफ लगने वाला है। पहले खाली से चालू करो, 10 तक अगर है आपके पास, मतलब 4 प्लेट्स है तो 4 प्लेट्स तक जाओ, वापस से जी मतलब खाली रोड तक आओ। ये करने में आपको कितने रेप्स लगेंगे, 10 + 10 + 10 + 10 40 80 रेप मारना है, तब जाके आपको जो पंप आएगा ना वो आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो। और ये वाला वर्कआउट ना हर दिन नहीं करना है, हर अल्टरनेट डेज करना है, और ज़्यादा दिन 1 महीने के लिए करना है।
एक महीने में छोड़ दो, 21 दिन करो, उसके बाद रिजल्ट देखना। और 21 दिन के बाद नहीं, ये वर्कआउट कंटिन्यू नहीं करना है, कुछ दिन बहुत दिन रेस्ट लेना है। ये रहा अल्टीमेट सेट मेरे लिए, चेस्ट का बहुत अल्टीमेट सेट है। आप मार के देखो, अगले दिन आपके चेस्ट में अगर इतना स्ट्रोननेस आएगा और इतना पंप आएगा, आप मजा आ जाएगा। तो जो अभी वर्कआउट आपने देखा है वो हर दिन नहीं करना है, वो ऑल्टरनेट डेज करना है। फर्क नहीं पड़ता आप बैक मार रहे हो, चेस्ट मार रहे हो, लेग मार रहे हो। अगर मंडे को किया तो वेडनेसडे को वापस करना है, फ्राइडे को वापस करना है। हफ्ते में 3 दिन ये वाला वर्कआउट करना ही करना है, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। वैसे नहीं कि आज चेस्ट मारा तो आज ही मारना है, ऐसा नहीं है। और अगर चेस्ट गिर गया तो मारना ही मारना है, ठीक है। वो आप ऐसे ही ट्रेन करो, ऐसे ही उसको सेट करो, जैसे आप मंडे को चेस्ट मार रहे हो तो मंडे को ये मारना ही मारना है। फिर वेडनेसडे को आप चेस्ट नहीं मार रहे हो फिर भी ये मारना है, ठीक है। फिर आप मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे को आप वापस से मारोगे, ऐसा प्लान रखो कि थर्सडे को वापस से मारना ही मारना है, एटलीस्ट 3 दिन को मारना ही मारना है। तब जाके आपका जो चेस्ट है ना वो फाड़ के निकल देगा, जो आपका इतने दिन से नहीं निकल रहा था ना। आप ये मार के देखो, आपको मजा आ जाएगा, मैं ये गारंटी से बता रहा हूँ। तो आप ये ट्राई करो और बताओ मेरे को कि कैसा लगा ये वाला वर्कआउट। और बस इतने थे वीडियो के लिए, एक मस्त वाला एक अल्टीमेट सेट दिखा दिया। इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और अल्टीमेट सेट के बारे में बता दो। तब तक मस्त खाओ, फिट रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।